रिजॉर्ट पे जिसका नाम है द हिडन कास्टल, तो वो हैदराबाद से 1.5 आवर दूर है। तो हम निकल पड़े हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, कैसा स्टेइंग है, फूड कैसा है। आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी की, कैसे इंजॉय किया, फूड कैसा था। तो मोर अपडेट्स के लिए जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग द हिडन कास्टल रिजॉर्ट। सो आप देख पाएंगे कि ये मेन गेट है, उसको एंट्री करने का गेट भी बड़ा अच्छा बनाया है उन्होंने, सुंदर सा। और अब व्यू देखो कितना अच्छा है, कितने सारे पेड़ है, यूकेलिप्टस के पेड़ है सारे। जैसे कि आप व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है, फुल ऑफ ग्रीनरी। तो आप देख रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पे, कितना सुंदर है मेन गेट, वाओ। यू कैन सी द व्यू, द व्यू इज सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। ग्रे कलर का ब्रिक्स यूज किया है बनाने के लिए। तो ये वेलकम प्लेस है, यहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक का आपको मिल जाए। तो ये रहा वेलकम ड्रिंक, जो कि शायद मिल्क शेक है। आज सिटी से बहुत दूर है, बट द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट हैव अ लुक। और आप आपकी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आपके फैमिली भी अगर यहाँ पे आएगी तो बहुत एंजॉय करेगी। बहुत सारे प्लेइंग एरिया है, एक्टिविटी एरिया है। रात में ये बंद हो जाता है और यहाँ पे पूरा पानी है।
गाइस, तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं छत पे हूँ अभी। रूफ व्यू है ये, इतना सुंदर सा। आप वहाँ पे देखिए एक बार, कितने सारे पेड़ लगे हैं, पूरा फुल ऑफ ग्रीनरी है ये एरिया। और थोड़ा सा सही, तो वो जो वहाँ पे आप देख सकते हो वो प्लेइंग एरिया है एंड द लंच एरियाज है। सो यू कैन जस्ट गो देयर, एंजॉय द एक्टिविटीज, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। सो हैव अ लुक हियर। सो द बफे सिस्टम इज हियर अवेलेबल राइट। सो यू कैन सी द फूड। लंच है रोटी, पनीर, बैंगन का सब्जी, पकौड़े, खीरा और कैरेट जो करने जा रही हूँ। चलो भूख लग गई जल्दी से। और ये पूरा सीटिंग प्लेस है, आप लंच करके यहाँ पे आके बैठ सकते हो, आराम से फोटो ले सकते हो। ये सारे पीसेस तो एंटिक है, बहुत पुराने हैं, एंटिक है। और वो वॉच इज सो ब्यूटीफुल एंड सो एशियंट एंड एंटिक, एंटिक ऑल्सो। एक्चुअली मैं मिर्ची खा के आई हूँ तो थोड़ा। तो ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आर्चरी है, बास्केटबॉल कोर्ट है और लोग देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ये सेकंड प्ले एरिया है, ट्री टॉप वॉक। तो आप पेड़ों के बीच में आप वॉक कर सकते हो, फिर वहाँ से वापस आके आप स्लाइड कर सकते हो। सो ये भी बहुत सुंदर है। यू कैन सी सम ऑफ द पीपल्स डूइंग द एक्टिविटीज देयर। यू कैन सी तो वहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट है और ये है बीच वॉलीबॉल कोर्ट। और यहाँ पे थोड़े बहुत झूले लग गए हैं, छोटे मोटे बच्चे झूल सकते हैं झूला। तो प्ले एरिया तो काफ़ी बड़ा है और आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो एक्टिविटी। और यहाँ पे आर्चरी है, तो मैं आर्चरी करने जा रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अच्छा है शानी और वो भी। ये थर्ड प्लेइंग एरिया है जहाँ पे आई डोंट नो क्या करना है, पर ये चिरंजीवी कर रहा है। तो आप देख सकते हो इसको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, उसके लिए एरिया बहुत अच्छा है।
जा रही जिप लाइन करने, देखते हाइट से बहुत डर लगता है, देखते हैं। कम ऑन तो ये पूल है, पूल एक्टिविटी कर सकते हो आप इधर। अभी भी हम जाने का दो जाओ।